तो जी गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, राम राम, कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आया हूँ दिल्ली जयपुर हाईवे पे। मैं अभी कहीं से आया हूँ और काफ़ी टाइम से ड्राइव करते करते थोड़ी सी भूख लगी है, तो मैं आज आपको लेके आया हूँ मन्नत दादूवेड़ा। इस टाइम पहुँचे हम दादूवेड़ा। तो दोस्तों इस टाइम पे हम हैं हरियाणा में, हरियाणा के दादूवेड़ा पहुँचे। हम पीछे से आ रहे हैं और अभी हम पहुँचे हैं दादूवेड़ा पे, और मेरे लेफ्ट साइड में सामने मन्नत का रेस्टोरेंट आ रहा है, हम वहीं जा रहे हैं। अब हम लोग हाईवे से नीचे उतर रहे हैं। पार्किंग का काफ़ी अच्छा स्पेस है, पर रात में यहाँ पार्किंग का स्पेस बिल्कुल फुल हो जाता है। और ये जो साइड में जो सर्विस रोड देख रहे हो, यहाँ तक गाड़ियाँ लग जाती हैं रात के टाइम पे। तो दोस्तों कुछ ऐसा है मन्नत के आसपास का एटमॉस्फेयर। यहाँ पे फूड कोर्ट के अलावा आपको एसी रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, जिसके प्राइसेस काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पे हम कहाँ आए हैं, मन्नत पे। चलिए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं एक रेस्टोरेंट का छोटा सा व्यू, छोटा सा व्लॉग आपके लिए। तो ऐसा है मन्नत, पीछे देख लीजिए। और ये मेरे पीछे जो है, ये है जयपुर हाईवे, दिल्ली जयपुर हाईवे। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है। तो अंदर से ऐसा है, देखिए ये आपका सारा सीटिंग का, ये आपका फूड कोर्ट हो गया, और ये आपका पीछे ज्ञानी आइसक्रीम और काफ़ी कुछ है। चलिए आपको दिखाते हैं मेन्यू वगैरह क्या क्या है, वो सब आपको दिखाते हैं और आपसे कनेक्ट होता हूँ दोबारा में। पार्किंग से एंट्री करते हैं, आपको इस तरीके का व्यू मिलेगा। तो ये सामने फूड कोर्ट और ये सामने दिल्ली जयपुर हाईवे। और ये है सामने एसी एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट। तो चलिए चलते हैं अंदर। डाइनिंग, लाइटिंग, एटमॉस्फेयर बहुत ही ऑसम। तो दोस्तों हम अभी अंदर आ गए हैं, यहाँ पे आपको एसी रूम, नॉन एसी दोनों मिल जाएंगे। और अभी हम अंदर रेस्टोरेंट में हैं जो है एसी का, कुछ ऐसा है पीछे से। तो चलिए मैं आपको पूरा टूर करवाता हूँ मन्नत रेस्टोरेंट का। देखिए पूरे हमारे नॉर्थ इंडिया में कहाँ कहाँ पे, तो मन्नत कहाँ कहाँ पर है आपके, वो सारा इसमें आपके सामने है। और हम अभी कहाँ पर हैं, हम हैं इस वाले पे, ये सॉरी माफ, दिल्ली जयपुर वाले पे हैं। और ये पड़ता है दादूवेड़ा पे, और इसकी कहाँ कहाँ ब्रांचेस है ये आप देख सकते हैं, काफी अच्छा है। तो ये एंट्री है कुछ यहाँ से ऐसी। और मूर्थल पे जो मन्नत हवेली है वो भी इन्हीं का है। ज्ञानी आइसक्रीम, इंडो कुल्फी, ये आपके स्नैक्स वगैरह हो गए। और ये है अंदर एसी रेस्टोरेंट, अगर आपको ओपन में बैठना है तो आप यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको डिज़र्ट के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, गुलाब जामुन, आपका पंच रसगुल्ला,
रसमलाई, और इससे आगे आप जाएंगे तो ये आलू पूरी, छोले भटूरे, ये आपका मिल्क केक हो गया, अलबत्ता स्पेशल बर्फी हो गई, लड्डू, डोसा, और ये कुछ पकौड़े टाइप के, मट्ठे टाइप के हो गए, ब्रेड पकौड़े, समोसे, ये समोसे कचौड़ी, समोसे का साइज देखिए कितना बड़ा है, और ये आपका किचन, और ये इनका किचन है, इससे अगर आप जाएंगे गोलगप्पे, राज कचौड़ी वगैरह सब यहाँ पे अवेलेबल है। और ये सामने जयपुर दिल्ली हाईवे, और इस तरफ है एक ये शोरूम, और इधर वॉशरूम भी है साइड में, आप जाओगे या अंदर की तरफ सामने वॉशरूम है। छोटे बच्चों के लिए कैंडीज के ऑप्शन भी है, कैंडीज, लॉलीपॉप वगैरह, चॉकलेट वगैरह के ऑप्शन, वेफर, सब चीज़ के ऑप्शन है यहाँ पे। और ये बाहर सेंटा क्लॉज की डमी, और ये सामने लेडीज जूती वगैरह की शॉप और कुछ है, और यहाँ का ये है वॉशरूम, कुछ काफी साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन। तो दोस्तों बात की जाए यहाँ की, तो जैसे अपने यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली के जो लोग हैं उनकी पहली पसंद मूर्तल का सुखदेव है, तो उसी हिसाब से गुड़गांव वालों की, साउथ दिल्ली वालों की सबसे पहली पसंद ये मन्नत है। तो ये था आपके लिए छोटा सा टूर, अब चलते हैं इसका फूड ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कैसा है। चलते हैं सीधा, अब हम चलते हैं सीधा एसी वाले रूम में। रात में एसी, नॉन एसी किसी में भी जगह नहीं मिलती है, तो अब चल रहे हैं सीधा अंदर। कुछ ऐसा अंदर से यहाँ का एसी का रेस्टोरेंट एम्बियंस। तो चलिए फूड ऑर्डर करते हैं और आपको मेन्यू दिखाते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों अभी मैंने मंगवाया है एक आलू प्याज पराठा और एक राज कचौड़ी, ये दो चीज़ हमने मंगवाई है, इसका टेस्ट करते हैं। और प्राइस की बात की जाए तो राज कचौड़ी का प्राइस है 130 एंड आलू प्याज पराठा का 99। देखिए टेस्ट करके बताते हैं कैसा है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट के बारे में बहुत सुना है, जैसे मूर्थल का परांठा है आलू प्याज का, उसका बटर आता है वाइट बटर, तो वैसे यहाँ के परांठों के साथ भी आता है, तो देखते हैं अब कैसा आता है, क्या प्रेजेंटेशन है, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको मेन्यू में और यहाँ के क्या क्या प्राइजेज हैं। सबसे पहले आपके लिए ये आपके सैंडविच के प्राइसेस, इसके बाद आपका है ये इंडियन स्नैक्स, और अब कॉन्टिनेंटल एंड सूप्स, साउथ इंडियन भी है यहाँ पे, तंदूरी आइटम्स, मन्नत की चाट एंड चाइनीज फूड, ये यहाँ की फेमस चीज तंदूरी पराठा, जिसके लिए हर कोई दीवाना है, मैं भी। ये तंदूरी ब्रेड, पनीर स्पेशल,
और ये मेन कोर्स के प्राइसेस। और ये थाली एंड कॉम्बो, और ये राइस के प्राइसेस, और इसके साथ स्वीट डिश। तो ये था एक छोटा सा प्राइसेस और सॉरी मेन्यू। तो इनके एक और कहाँ का आउटलेट है ये देख लीजिए, मन्नत हवेली मूर्थल, मन्नत मूर्थल और समालखा, कुरुक्षेत्र, दारूवेड़ा, राजस्थान में भी है। और यहाँ पर सामने सर्व हो गई है हमारी राज कचौड़ी, देखने में तो बड़ी लजीज लग रही है और टेस्ट में भी देखते हैं कैसी है। प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो मैं रेट दूंगा 10/10। तो अगली आइटम और ये फ्रेंच फ्राइज क्वांटिटी देखिए कितनी ज़्यादा है इसमें, क्वांटिटी इतनी है 3-4 बच्चे तो आराम से खा सकते हैं। हमने बच्चा बच्चा पैक करवाया था। और ये मेरा आलू प्याज का परांठा आ गया है विद चटनी एंड बटर। तो दोस्तों ये आ गया है हमारा आलू प्याज का परांठा, साथ में ग्रीन चटनी, लहसुन वाली टमाटो कट्टी चटनी, प्याज और ये वाइट बटर। आलू प्याज का परांठा, चलिए टेस्ट करते हैं इसको, बताते कैसा है। काफ़ी स्पाइसी है और ये नहीं फीका नहीं, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। आप लोग भी, आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, आप भी जब यह साइड पर आते हैं तो यहाँ जो जरूर आए। चलिए और अपना परांठा फिनिश करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं दोबारा। तो खाने के बाद यहाँ पे आपसे ऐसे फीडबैक भी दे सकते हैं, आपको जो भी जैसा अच्छा लगे आप यहाँ पे इनको फीडबैक दे सकते हैं। चलिए फीडबैक देते हैं और फिर आपसे दोबारा कनेक्ट होते हैं। साथ ही आ गई है हमारी चाय, स्पेशल चाय है, इलायची अदरक अच्छे से कूट कूट के भरी हुई है, स्पेशल चाय मंगवाई है। तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, मुझे तो अच्छी लगी। वैसे मैं चाय पीता नहीं हूँ, पर मैंने सिप ली, पर मुझे एक सिप काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी स्ट्रांग है। तो परांठे के साथ इस चाय का अलग ही मज़ा है। तो बाकी आप आइए और देखिए कैसा है,
आप यहाँ का फूड टेस्ट कीजिए, सब कुछ टेस्ट कीजिए। मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ इस रेस्टोरेंट को रेट दूँ तो 10/10 ही है मेरे लिए, तो बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको कैसा वो लगेगा। चलिए फीडबैक देते हैं और फिर हम निकलते हैं अपने घर के लिए। ज्ञानी की आइसक्रीम खाना खाने के बाद आप अगर आप ठंडे में कुछ लेने के शौकीन हैं तो आप यहाँ पे ज्ञानी पे आ सकते हैं, आइसक्रीम शेक वगैरह ले सकते हैं। बात की जाए ज्ञानी की आइसक्रीम की तो इसकी मेरी जो फेवरेट दो है, एक बेल्जियम चॉकलेट एंड अमेरिकन पाइट। तो मैं अभी आपको आगे दिल्ली तक का छोटा सा टूर दिखाऊंगा। अब एक घंटे की ड्राइव करके अब आगे आ चुके हैं मानेसर, जो हरियाणा में पड़ता है गुड़गांव से पहले। व्यू देखिए कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर व्यू है, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। ये जितने भी हिल्स आप देख रहे हैं ये सारी अरावली हिल्स हैं, जो दिल्ली से लेके आपका राजस्थान गुजरात आगे तक जाती है। मानेसर टोल से हमने वापस एंट्री कर ली है और अब हम गुड़गांव में एंट्री कर चुके हैं, और गुड़गांव में एंट्री करते हैं आपको इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिख जाएगी जिसमें मोस्टली MNC कंपनियां हैं, सारे कॉरपोरेट ऑफिस मिलेंगे आपको यहां पे। ये मेरे राइट में देखिए कितनी सुंदर बिल्डिंग है वाइट कलर की। गुड़गांव में आपको मोस्टली बिल्डिंग DLF की ही बनी हुई मिलेगी, ये लगा लो कि गुड़गांव को DLF ने ही बसाया है, आपको मोस्टली बिल्डिंग आपको DLF की ही मिलेगी यहाँ पे। अब हम पहुंचने वाले हैं राजीव चौक, दिल्ली वाले नहीं गुड़गांव वाले। अब हम क्रॉस करने वाले हैं इफ्को चौक का एरिया। कितनी ऊंची ऊंची ग्लासेस वाली बिल्डिंग है, रात के टाइम पे तो ये और ही खूबसूरत लगती है ये वन व्यू बिल्डिंग।
मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं गुड़गांव की DLF साइबर सिटी, और ये जो राइट साइड में जो ये ट्रैक आ रहा है ये है गुड़गांव के रैपिड मेट्रो का ट्रैक, जो शुरू होता है गुड़गांव 5556 सेक्टर से और पूरा राउंड लेके ये वापस वहीं ख़त्म होती है 5556 सेक्टर पर ही। और ये DLF की सबसे बड़ी ऊंची और सुंदर बिल्डिंग, बिल्कुल बोट के शेप की है, शिप के शेप की है। अब जो आप मेरे दोनों साइड में बिल्डिंग देखोगे, ये सामने ग्लासेस वाली बिल्डिंग, ये भी DLF की है, ये पूरी DLF की बिल्डिंग है, इसके अंदर सारे कॉर्पोरेट ऑफिस है। और ये राइट साइड में ये भी DLF की बिल्डिंग है, और उसके पीछे जो ये ब्लू ग्लासेस वाले दिख रही है, ये है द लीला एम्बियंस मॉल है, और ये इसमें होटल है। और ये जो एम्बियंस मॉल की बात की जाए तो ये गुड़गांव का सबसे बड़ा मॉल है, इसके अंदर ही अंदर काफ़ी अंदर तक जाने के लिए मॉल का रास्ता है, ऊपर होटल है और नीचे पूरा मॉल है, और आगे जाके अलग ही चीज़ है इस मॉल की भी। आपको इसको जल्दी से आपको इसकी वीडियो दिखाएंगे। और ये हमारा नेशनल फ्लैग, और ये मेरे लेफ्ट साइड में रेडिसन होटल। यहाँ से एंट्री होती है दिल्ली में, दिल्ली के किसी भी कोने में आप एंट्री कर लो, आपका स्वागत होगा ट्रैफिक जाम से। दिल्ली में गुस्सा शुरू हो गया ट्रैफिक जाम, बस दिल्ली एंट्री हुई है और ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गया है। पूरे रास्ते मस्त स्पीड में गाड़ी चली 80-100 की स्पीड में यहाँ आके, और ये ऊपर स्पीड कैमरा, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ट्रैफिक जाम लगा रहता है यहाँ पर तो स्पीड कैमरे में क्या कैप्चर होगा। और ये स्पाइस जेट का एरोप्लेन लैंड करते हुए, यहाँ पे काम चल रहा है दिल्ली मेट्रो का, दिल्ली मेट्रो की सिल्वर लाइन को। और मेरे आगे से एक प्राइवेट जेट जाता हुआ, अब हम एयरपोर्ट के साइड से चल रहे हैं। और जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ओपन एरिया, ये एयरपोर्ट है, आपको एयरपोर्ट का टावर भी दिख जाएगा, ये देखिए सामने एयरपोर्ट के टावर जहाँ पे एयर कंट्रोल वाले बैठते हैं। और ये है एरो सिटी, ये जगह अपने में ही एक अलग है, अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बाहर की कंट्री में आ गए हो, इसको इस तरीके से डेवलप किया गया है। और ये टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 के बीच में, और ये इंडिगो का एरोप्लेन बिल्कुल हमारे आगे से जाते हुए टर्मिनल 1 पे।
और ये सामने से जा रही है एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की मेट्रो जो नई दिल्ली से द्वारका सेक्टर 21 के बीच में चलती है, मात्र 17 मिनट में आपको पहुंचा देगी। अब हम गुड़गांव पहुंचने वाले हैं। मेरे दोनों साइड देखिए कितनी सुंदर वॉल और फाउंटेन है। यहाँ पे क्या लिखा है, NHAI। जनकपुरी के लिए लेफ्ट, गुड़गांव के लिए वापस यू टर्न और इंडिया गेट के लिए बिल्कुल सीधा निकल जाओ 10 किलोमीटर यहाँ गुड़गांव से। अब आप मेन सिटी में एंट्री कर रहे हैं गुड़गांव दिल्ली को। और मेरे बिल्कुल सामने जो है दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन, जो मैंने आपको एक ब्लॉग दिखाया था, सबसे ऊंची हाइट का मेट्रो पिलर वाला वो ब्रिज यही है। तो अब हम मेन दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं। वीडियो को अब यहीं पर हम करते हैं एंड। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के जुड़े रहिए जर्नी पे सूर्यवंशी। और चलिए अब चलते हैं अपने घर की तरफ। आप भी अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। See you.